सो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमसीयू का आयरन मैन हम सभी को छोड़कर जा चुका है, क्योंकि एंड गेम में जब थेनोस को रोकने की सारी कोशिशें फेल हो रही थी, तब एंड में टोनी स्टार्क ने खुद को सेक्रीफाइस करके थेनोस को ख़त्म कर दिया। और ऐसा होने से आधे फैंस तो सिनेमा हॉल में ही रोने लगे और बाकी के आज तक रो रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि आयरन मैन कब वापस आएगा। तो अब खुश हो जाओ, क्योंकि आयरन मैन एमसीयू में वापस आने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको आयरन मैन के एमसीयू फ्यूचर से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताऊंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज, हाल ही में एक सोर्स से न्यूज निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअल में रॉबर्ट डाउनी जूनियर से आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए बात कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह रॉबर्ट डाउनी जूनियर उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट मांग रहे थे, जिसकी वजह से ये डील रुकी हुई थी। लेकिन अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी डॉक्टर डू लिटिल की फेलियर के बाद वो दोबारा एमसीयू में अपना फेम वापस पाना चाहते हैं, और बहुत जल्दी हमें इस डील की कन्फर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि दूसरी तरफ डीसी अब अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो गया है, और आने वाले टाइम में हमें बहुत सारी डीसी मूवीज देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा डीसी ड्वेन जॉनसन और रॉबर्ट पैटिनसन जैसे फेमस एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मार्वल को भी अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना जितना फैन बेस उसने पिछले 10 सालों में बनाया है वो आने वाले टाइम में डीसी की तरफ चला जाएगा। अब एंड गेम में आयरन मैन के मर जाने के बाद उसे आगे फ्यूचर में किस तरह फिर से स्टोरी लाइन से जोड़ा जा सकता है, उसके 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें सबसे पहला है वॉट इफ़ सीरीज़, और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आयरन मैन को डिज्नी की वॉट इफ़ सीरीज़ में वापस लाया जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी एनिमेटेड कैरेक्टर्स होंगे उन्हें उनके ओरिजिनल एक्टर्स ही वॉइस देंगे। तो इसीलिए वॉट इफ़ सीरीज़ के आयरन मैन को हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही वॉइस देंगे। इसके अलावा दूसरा है आयरन मैन क्लोन। कॉमिक्स में आयरन मैन को कई बार मरने के बाद वापस लाया गया है, तो ऐसा एमसीयू में क्यों नहीं हो सकता। और सिविल वॉर 2 कॉमिक के इवेंट में जब आयरन मैन कैप्टन मार्वल के हाथों मारा जाता है, तब टोनी स्टार्क की डिजिटल कॉन्शियसनेस को एक क्लोन में अपलोड कर दिया जाता है, जिससे टोनी स्टार्क कॉमिक में वापस आ जाता है। और लगभग ऐसा ही कॉन्सेप्ट एमसीयू में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर आपको याद हो तो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में ज़ोला ने अपने मरने से पहले ठीक यही किया था, जिससे वो मरने के बाद भी कैप्टन अमेरिका से एक कंप्यूटर के जरिए बात कर पा रहा था। तो जब ज़ोला इतने साल पहले ये कर सकता है, तो टोनी स्टार्क ऐसा क्यों नहीं कर सकता। टोनी स्टार्क AI, पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि शायद अपने मरने से पहले टोनी स्टार्क ने अपनी कॉन्शियसनेस को एक AI में स्टोर कर दिया हो, जो आगे हमें जार्विस की ही तरह स्पाइडरमैन या अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क को सुपर हीरो बनने में मदद करे। क्योंकि एंड गेम के क्लाइमैक्स में हमने टोनी स्टार्क का एक होलोग्राम देखा था, जिसे उसने अपने मरने से पहले बनाया था, तो हो सकता है वो होलोग्राम टोनी स्टार्क के उस AI का ही एक पार्ट हो। और इसके अलावा वो AI बनकर एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी रह सकता है, और इसी से वो अपने आयरन मैन आर्मर को भी चला सकता है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो शायद आगे मूवीज़ में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइज, एंड गेम के बाद एक फैन थ्योरी आई थी कि एंड गेम में जो टोनी स्टार्क मारा गया था वो टोनी नहीं बल्कि एक स्क्रल था, जो टोनी स्टार्क के रूप में था, और असली टोनी स्टार्क अभी ज़िंदा है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि स्क्रल्स मरने के बाद अपने असली रूप में आ जाते हैं, जबकि एंड गेम में टोनी की डेथ के सीन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एमसीयू के फ्यूचर में हो सकता है कि कोई स्क्रल आयरन मैन का रूप लेकर अवेंजर्स टीम को ये दिखाए कि वो अभी जिंदा है। बैक फ्रॉम द पास्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, और एंड गेम में हम टाइम ट्रेवल को पहले ही देख चुके हैं, इसीलिए इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे पास्ट की गमोरा प्रेजेंट में आई थी, वैसे ही पास्ट के आयरन मैन को प्रेजेंट में लाया जा सकता है, या फिर दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन को कैमियो में भी दिखाया जा सकता है। सो गाइज, इन सब में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा सही लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।